मेरा एक दोस्त है वो आज बहुत बड़ा स्टार है यार और हम लोग सालों साथ में खाए पिए घूमे जब तक वो स्टार नहीं बन गया एक एक सजेशन लेना और अब वो फ़ोन पे बात भी नहीं करता रिप्लाई भी नहीं करता मेरा यू नो हु कार्तिक आर्यन हाय दिस इज संदीप सिंह हाय दिस इज मीरा चोपड़ा सिद्धार्थ कनन के साथ बहुत दिल से बातें की हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल जो बातें आज तक नहीं बोली आज बोल दी सो प्लीज गो ऑन यूट्यूब बुलवा दिया है या सो प्लीज गो ऑन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब टू चैनल सिद्धार्थ का वी लव यू सफेद कितने सफेद या कितने काले अपने सोच विचार में पता चलेगा हमारे शो में हाँ <laughs> संदीप मेरे भाई मुबारक हो गुड लुकिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर एवरीथिंग रोल्ड इन टू वन और मीरा भाई मुझे जेन्यूली बताओ ये फिल्म करते वक्त इमोशनली ड्रेन आउट हो गए थे तुम मैं आउट हो गया था इमोशनली <laughs> नहीं हर तरीके से और मैं अपने सेंसेस में भी नहीं था आई थिंक वो राइटिंग प्रोसेस और कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा डेप्थ थे ना hmm. उसमें यार कि करते करते ही मैं हम लोग अपने आप को खो चुके थे आई थिंक मीरा सम सपोर्ट

i have been seeing you for last so many years and the passion that madness which you carry in your work same thing we as a filmmaker has to do that and you don't know that somehow in your journey when you take interviews and portray on your channel and so many people see you don't know which angle of yours has touched whose emotion and what has got us up

Uh, आठ नौ सालों में मैंने तीन चार प्रोजेक्ट्स किए हैं uh, ऐसा नहीं है कि मैं काम आई डोंट ट्राई टू लुक फॉर वर्क आईव बीन कॉन्स्टेंटली डूइंग दैट आई हैव गॉट फ्यू गुड वर्क बट जितना मिलना चाहिए मुझे नहीं मिला और उसका क्या रीज़न है मुझे आज हाँ तक पता नहीं चला बिकॉज mm. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सो so, एक्सेप्टेंस नहीं मिली uh, क्यों नहीं मिली आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट बट अबैंडन ने किया आई से बट इट्स बिन अ वेरी इट्स बिन अ वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी पर नौ साल में क्या क्या लो पॉइंट्स रहे तुम्हारे लाइक रियली लो पॉइंट्स इंडिया मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि इसके जिंदगी में सबसे मतलब एक्टर्स की जिंदगी में सिद्धार्थ यू यूसो वन ऑफ द एक्टर्स मुझे ऐसा लगता है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स या ये लोग ना फॉल्स वो बहुत देते हैं एक्टरों को तो. गोली देते हैं वो बात अच्छी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको झूठी उम्मीद इसलिए देते हैं ताकि उनका दिल न टूटे और मैं बोलता हूँ कि आप जो लंबे समय का दिल तोड़ोगे ना उसी वक्त तोड़ दो वो चलेगा लाइक like मैं झूठे वादों पे विश्वास नहीं रखता हूँ आई विल टेल यू कि आई कांट वर्क विथ यू और यू डोंट डिजर्व एंड पीपल माई टेक मी रूड शूड वॉट एवर बट आस्क मुझे ऐसा लगता है मीरा को लोगों ने झूठी उम्मीद बहुत दी है इस इंडस्ट्री ने दोस्त बनाया इसको यूज किया एज अ कि मेरे पार्टी में आ जाओ ये तैयार होकर जा रही है प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिल रही है पर मुझे ऐसा लगता है कि झूठे वादों और उम्मीद की वजह से ना ये नौ साल में सिर्फ तीन से चार प्रोजेक्ट कर पाए क्योंकि उम्मीद ने इसको घर बिठा दिया ऐसा मुझे लगता है मेरा नो यू कैन आंसर सॉरी ये सही बोल रहे हैं पार्शली नॉट कम्प्लीटली उम्मीद डेफिनेटली दिया है और उसके बाद uh, मैं बहुत चूजी भी हो गई थी जो मुझे अब लगता है वो आई थिंक इट वॉज अ रॉन्ग स्टेप बट इट केम आउट फ्रॉम द स्पेस वेयर मैं साउथ में इतना कमर्शियल सिनेमा करके आई थी कि मुझे यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल करना था और मीनिंगफुल तो अब होना शुरू हुआ है पहले जब मैं आई थी तब वह था तो वो वो सिलेक्शन में चूजी में आई थिंक आई मिस्ड आई मिस लॉर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज और मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ मैं बॉलीवुड क्रैक ही नहीं कर पाई आई हैव फेल्ड देर

वो इम्पॉसिबल है मैं बता रहा हूँ कितनी भी कोशिश कर लूँ वो जब तक आपके ऊपर शाहरुख खान आमिर सलमान ऋतिक ऐसे लोगों का हाथ नहीं पड़ता ना वो प्रोडक्शन हाउस कितनी भी अच्छी पिक्चर बना ले वो बड़ा बन ही नहीं सकता है एंड आई इवन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सम कैंप तभी काम तो वो है। आप जब तक एक कैंप uh, में अपने आप को घुसा के दिन भर नहीं पड़े रहते हो अभी क्या है कि मेरी आदतें भी नहीं है कि मैं दारू या सिगरेट वाला लड़का नहीं हूँ तो मैं रात रात भर बैठ नहीं सकता हूँ पार्टीज़ में और ड्रिंक करना और वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना वो मैं थक गया हूँ इससे अच्छा ना बने प्रोजेक्ट चलेगा भाई और मैंने अपने सपनों को कम कर दिया कि मुझे बड़े घर और गाड़ियाँ और ऑंटराज और ये सब नहीं चाहिए मुझे आ, फर्स्ट क्लास बिजनेस नहीं चाहिए चलेगा ये सब नहीं चाहिए मुझे और मुझे आ, मेरी औकात में रहना है मेरे को पता है मैं एक आउटसाइडर हूँ और आ, मुझे अच्छी कहानी कहनी है उस कहानी में अगर कोई एक्टर आता है तो आए नहीं तो वो अपना कैलकुलेशन आज तक आजकल वैसे भी जितने भी लोग हैं वो सब सिर्फ़ और सिर्फ अग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं और अपने डील पर स्क्रिप्ट पे कोई नहीं काम करता ये पक्का है भले आपको बुरा लगे पर ये सच है एक्टर अच्छे होते हैं तो उनको एक्ट्रेस अच्छी चाहिए होती है एक्ट्रेस अच्छी आती है तो कहानी मतलब मैं आप देखो ना अभी मतलब बड़े बड़े एक्टर्स आप उनको अच्छी फिल्मों में नहीं देखोगे आप अच्छी फिल्मों में अच्छे एक्टर को देखोगे स्टार्स कभी नहीं हो सकते टेल मी वन फिल्म वैसे सलमान खान की भी फिल्में बहुत नहीं चल रही हैं वेरी ऑनेस्टली नहीं? नहीं पर अब हम किसी एक को क्यों पिक करें मैं 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 तो बोलता हूँ किसी की फिल्म नाम लीजिए उसकी फिल्म नहीं चली है शाहरुख खान की फिल्म चल रही है नहीं नहीं आप वन मिनट शाहरुख खान की फिल्म अब इस साल चली है तो वो चल रहे हैं सलमान खान की पिछले साल चल रही थी वो उस समय चल रहे थे आमिर खान की इस साल नहीं चली लेकिन ऐसा नहीं, कि है।, तो है, कि नहीं है कि वो लोग इंडस्ट्री में लेजेंड्स, आप देख ही नहीं सकते हम सेनापति भी नहीं है ठीक है कि शायद मीरा को लोगों ने झूठी दिलासए दी होंगी होप्स दिया होगा क्या ये बड़े बड़े कैंप्स ने भी आपको गोली दी थी कि यार तुम्हें होगा जस्ट वेट फोन आने वाला है, ये बड़े ए लिस्टेड कैंप्स ने भी किया तुम्हारे साथ uh, कुछ नहीं किया ज्यादा ने नहीं किया बट uh, मैं हमेशा कैंप से दूर रहना चाहूँ सो यू नो वी ऑलवेज़ गो थ्रू आर ओन लर्निंग्स एंड जर्नी मैं किसी कैंप का हिस्सा स्टार्टिंग में बनना नहीं चाहती थी मैं इंडिपेंडेंटली खेलना चाहती थी मैं बड़ी खुददार लड़की हूँ मैं हमेशा मुझे था कि साउथ में बहुत सक्सेसफुल रन करके आई थी सो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि यहाँ भी कर लूँगी अपनी बहनों की हेल्प नहीं चाहिए थी कुछ नहीं चाहिए था आई वॉज लाइक आई विल डू इट ऑन माई ओन बट वो होता नहीं है यार आई विल डू तुम्हें किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है तुम्हें यू हैव टू क्लिंग ऑन समबडी टू गो हायर एंड दैट्स वॉट आई लर्न आफ्टर फोर फाइव आफ्टर स्ट्रगल ऑफ फोर फाइव ईयर्स कि मैंने तो किसी को पकड़ा ही नहीं शायद किसी को पकड़ लेती किसी का कंधा पकड़ लेती और ऊपर चढ़ जाती वो I couldn't do it Why couldn't you do it Because, Because आपको लगा कि किसी से मदद मांगना मैंने तुम्हें कम कर देगा मैं मुझे लगा था मुझे जरूरत नहीं है किसी मदद मांगने की मैं खुद कर लूंगी कम या ज्यादा की बात नहीं थी कपूर क्लैन या खान क्लैन या बच्चन क्लैन चोपरास क्लैन या बट मुझे लगता है ना कुड बी वेरी रॉन्ग

Ah, मेरे दोस्त बताओ आप क्यों मिसिंग है व्हाट वेंट यार मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछना चाहिए ये क्वेश्चन उनसे पूछना चाहिए बिकॉज़ पार्ट एंड ऑलवेज इनकरेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली बट एक तो स्टार्टिंग से कभी इतनी क्लोजनेस नहीं थी कि यहाँ पे आके दोस्त बन जाते वो थोड़ा फेक लगता है कि चलो एक ही इंडस्ट्री में है तो दोस्त बन जाए लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि जब चार लड़कियाँ तीन लड़कियाँ एक इंडस्ट्री में आ जाती हैं तो एक दूसरे को हेल्प ज़रूर करनी चाहिए वो मेरे साथ नहीं हुआ अब मैंने हेल्प मांगी नहीं सामने से कभी हेल्प आई नहीं मांगने वाली मैं हूँ नहीं उन्होंने कभी दिया नहीं सो इट्स इट्स जस्ट दैट लिटल स्टोरी नहीं पर बचपन में क्या आप जैसे होते ना समर हॉलीडेज वाली कहानियाँ

सालों साथ में खाए पिए घूमे जब तक वो स्टार नहीं बन गया एक एक सजेशन लेना और अब वो फ़ोन पे बात भी नहीं करता रिप्लाई भी नहीं करता मेरा यू नो हु कार्तिक आर्यन कार्तिक आर्यन के साथ हम घूमना yeah. फिरना सजेशन देना सबसे मिलवाना yeah. भूषण कुमार से भी कार्तिक आर्यन को सबसे पहले मैंने ही मिलवाया रमेश तो नानी से भी हर जगह लेके जाना उसको समझाना अभी आइट फिल्म मत करो ये मत करो पेशेंट रखो फेलियर जब थे तब तो मेरा उंगली पकड़ के चल रहे थे साथ थे सफलता के बाद फ़ोन नंबर तो वही रहा तुम क्यों बदल गए भाई एग्जैक्टली exactly. तो, तो मैंने होता। मैंने कार्तिक को एक मैसेज भी किया और मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि गुब्बारा जब फूल जाता है पहले क्या था भूल जाता है तो बहुत तकलीफ होती है जब हमारे लोग ना दोस्त के लोग इनफैक्ट सफेद का भी ट्रेलर आया ना तो मैं बिना झिझक के उसको भेजा कि यार पोस्ट कर देना राजकुमार राव ने पोस्ट कर दिया हिमेश हिमेशम्या ने कर दिया संजय दत्त ने कर दिया विवेक ओब्रॉय ने कर दिया आदि शेष ने कर दिया जो हैं लोग अरे मैं बोलता हूँ हो सके मैं तुमको कभी डांट दिया रहूँगा जब तुम स्टार नहीं थे उस चीज़ को दिल में लिखे तो उस दिन ही क्यों नहीं मुझे बोले कि आप जब डांटते थे तो मुझे खराब लगता था अभी तक दिल में मलाल लेके बैठे हो मुझे तो लगा था जब तुम स्टार बनोगे तो आओगे बोलोगे कि भाई चलो अब साथ में कर बिकॉज आई नो यू टैलेंटेड जब स्टार नहीं थे तब ये फिल्म मैं करता हूँ वो फिल्म मैं करता हूँ अब इतने बड़े बन गए कि तुम ही स्क्रिप्ट लिखते हो तुम ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर डिसाइड करते हो तुम ही डीओपी डिसाइड करते हो तुम ही एक्ट्रेस डिसाइड करते हो तुम ही म्यूजिक डिसाइड करते हो कंट्रोल फ्रीक हो गए हो एक्टर बनने आए थे ये तुम्हें कैसे मालूम कि कंट्रोल फ्रीक बन गए सब कहते हैं यार सब कहते हैं और मुझे दुख होता है कुछ तो सक्सेस तो उसके दिमाग में चला गया है और मेरे लग... मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम आ गया जहां हम लोग को खुल के बात करनी चाहिए अभी एक एक और एक्टर हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनसे मैं खुल के बोला जो मेरे दिल में था मैंने मैसेज पे और उन्होंने भी खुल के बोला और आज हम एक हैं कौन है अब जो भी हैं मतलब अरे कार्तिक का नाम बोले ये भी बोले तो ठीक हो गया आप तो क्या प्रॉब्लम है नहीं जैसे हैं हैं कुछ लोग होते हैं। तो कार्तिक अपने में जैसे मीरा ने मुझे भी कहा था है। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल, मतलब, मैं उसको, कभी -कभी उसको अक्नोलेज तक करने का उसके पास अब टाइम ता, नहीं है और मैं कार्तिक को आज कैमरे पर बोलना चाहता हूँ ये बात कि हर चीज रहती है बस समय नहीं रहता किसी के पास समय नहीं टिकता समय सेम नहीं होता पहले तुम स्ट्रगल करते आज तुम स्टार हो कल कोई और होगा रिश्ते सेम रहते हैं तो उसकी मोल करे मैं तुम्हें कभी पिक्चर अगर सही लगा तो मैं अप्रोच तो नहीं करूंगा तुमको क्योंकि तुम अब इंसानियत के मामले में तुम मेरी नजर में सही नहीं हो क्या तुम्हें लगा कि कार्तिक ने तुम्हें यूज किया उस टाइम नहीं यार क्या यूज करेगा वो मुझे लगा एक दोस्त क्योंकि इज अ वेरी फनी पर्सन

कार्तिक वो ही होता है कि दूसरा बंदा अपने आप को इतना बड़ा समझ लेता है कि बाकी सब उसके सामने छोटे हो जाते हैं कुछ गलत नहीं होता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है बस एक आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट योर 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 एंड एंड सोच तुमने एक लाइन वापस कही कि वो के सामने जिस तरीके से बिहेव करता है वो कार्तिक नहीं है किस तरीके से बिहेव करता है और क्यों आपको लगता है कि वो कार्तिक नहीं है यार पहले उसके मम्मी डैडी भी आते थे हम लोग मिलते थे हम लोग बाहर खाना खाने जाते थे इनफैक्ट जैसे आनंद पंडित से वो मान लो मिल रहा है या किसी और से भी सब जगह मैं ही लेके गया था ना वो एक बार बेसिक और बेस पिछले कुछ साल चला जाए सोनू के टीटू के पहले उसको सब याद आ जाएगा यहाँ तक कि उसके साथ कोई मैनेज करने को रेडी नहीं था कार्तिक आर्यन को उसके साथ मैंने अपने ऑफिस का एक लड़का रखा था आफ्ताब नाम था उसका यहाँ तक यार मतलब मुझे आज ही बता उसको पनीर पसंद है और पराठा और उसको कुछ बोलने की जरूरत है वो मेरे घर पे कभी भी अभी भी आ सकता है लेकिन अब वो बहुत बड़ा आदमी है भाई अब मेरे घर का शायद शायद पनीर में शायद आपको पैसे नहीं मिलेंगे पर पनीर में स्वाद वही मिलेगा ये मुझे बताओ क्या समय डांट दिया होगा राइट और अभी तक उसको याद है और उसको लगा होगा अच्छा जब मैं बड़ा नहीं था तो संदीप ने मुझे हड़का दिया और आज मैं बड़ा हो चुका हूं राइट Uh, जैसे एक बहुत अच्छा स्टार है जो मेरा बैचमेट था कॉलेज में बहुत टपली अच्छा मारा करते थे say, you know, hmm. और पतला सुखड़ा था हालांकि किसी को जो वो को wear, जो पहनना है वो चड्डी में घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता वो बड़ा बन गया एरगेंट हो गया था बीच में और ये बातें फैलने लगी क्योंकि उसके दिमाग में था कि देखो जब मैं कुछ नहीं था ना मैं पतला सुखड़ा था तुम लोग टपली मारते थे आज देखो मैं बड़ा हो चुका हूं तो वो एक ट्शन आ जाता है क्योंकि पास्ट की वजह से क्या तुमने ये एनालाइज नहीं किया कि शायद प्रॉब्लम था डिड यू मैसेज कार्तिक जो आपने मुझे कहा कि कार्तिक अगर मैंने डाटा होगा डिड यू फील बैड अबाउट इट एक्सप्लेन इट टू तो मी ये तुमने ओपनली मैसेज किया उसको हाँ किया क्या क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने उसको डाटा है और ऐसा नहीं कि हम लोग शायद डाटा दो तीन बार रहूंगा पर हंसे हम लोग सौ बार हैं तो उस हंसी को क्यों भूल जाते हो जो हमने नब्बे बार बिताया है और डाटा तुम्हारे शायद कोई ना कोई गलती या मिस्टेक करोगे तो ही डाटा रहूँगा तो और दूसरी मतलब इनफैक्ट वो अभी थोड़े दिन पहले संजय भंसाली सर से ही मिला था तो संजय भंसाली सर ने भी उसको कहा कि तुमको याद है तुमको पहली बार मुझे संदीप ने मिलवाया था और संजय सर ने उसको करेक्ट भी किया कि तुम क्यों संजय दत्त की तरह ऐसा ऐसा चलते रहते हो उस समय कहा था उसको आज से कुछ मेरे हिसाब से दस साल पहले तो आ, हाँ मैंने डाटा ही होगा हंड्रेड परसेंट पर इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल में रखो यार इंसान है हम लोग एक दिन तो परमानेंटली चले जाएंगे आग लगा दिया जाएगा और एक लोटे में आ जाते हैं और दोस्त तो डांट सकता है ना और क्यों नहीं अगर डांट भी दिया तो मैं वो मतलब ही इंसान नहीं हूं ना कि सिर्फ तुमको और आज उसके जितने दोस्त हैं तुम स्टार हो इसलिए दोस्त हैं ऐसे ही इमरान खान भी स्टार थे सब स्टार होते हैं लेकिन स्टार के बाद है ना वो रात को चमकता है और सुबह गायब हो जाता है स्टार स्टार मत इंसान कमिंग बैक टू यू। या, वेटिंग। यस तो की के साथ मुझे आज भी कोई स्कूल का लड़का लखनऊ से मैसेज करता है तो गाली के मैसेज करता अब कितना मजा आता जब और मजा तो ले, ले, ले जिस तीन दिन पहले मेरा <laughs> दोस्त आया था स्टेज शो में कर रहा था मलाइका के साथ

बट परिणी इज अ वेरी नाइस गर्ल एक्चुअली बिंदास है रे मस्त है हंसती है कुछ भी बोलती है बहुत बिंदास है एंड शी इज सेम शी इज नॉट चेंज्ड मैं मतलब उसको बहुत सालों से जानता हूं शी इज नॉट चेंज्ड हम सब बहुत अच्छे हैं हां तुम भी अच्छी हो इसलिए no, मेरे ऑनेस्टली हम सब बहुत अच्छे हैं परिणीति की फैमिलीज आई मीन आवर फैमिलीज डोंट टॉक सिंस एजेस सो वो वाला एक वो है आई मीन व्हेन फैमिलीज डोंट टॉक आई डू वांट टू क्रॉस दैट लाइन व्हिच वुड हर्ट माय फैमिली सो so, वो वाली परिणीति के साथ कभी फैमिली वाली बात ही नहीं थी प्रियंका की फैमिली से मैं आज भी बहुत क्लोज हूँ लाइक टुडे आई एम आई एम ट्राइंग टू डू अ स्क्रीनिंग फॉर मधु चाची बिकॉज आई रियली वांट टू शो हर द फिल्म मधु चाची या शी नो ऑनेस्टली दे वेरी वेल फॉर मी प्रियंका हैज़ ऑलवेज बीन वेरी जेनरस बट एक जो सिस्टर वो डोता है ना वो मिसिंग है पर वो uh, मेरी तरफ से मिसिंग नहीं है Uh, I've आई वोज एक्सटेंडेड ब्रांच ऑफ लव बट वो रेसिप्रोकेट भी होना चाहिए जब वो रेसिप्रोकेट नहीं, नहीं होता नहीं, तो पीछे तो, तो तो हो ना प्रियंका के साथ तीन फिल्में की है रामलीला में कमाल का गाना मैरी कॉम पूरा साथ में किया है फिर बाजीराव बहुत जिम्मेदारी और वो हर चीज ना पर्सनली करती है और वो जो मेहनत मतलब अगर मैं बोलता था ना पी सी सो सॉरी टू इन्फॉर्म लेट बट कल सुबह छह बजे हमको लखनऊ जाना या रेडी सो so, उस मुझे याद नहीं है वो और एक सोनू निगम कुछ ऐसे लोग हैं ना जो लोग ना नहीं बोलते हैं यार वो लोग हाँ बोल के आगे बढ़ जाते हैं प्रियंका तो चोपड़ा कुछ अलग चीज़ है वो मुझे लगता है

और वो that's very common in families. Long back it was very common. Were you upset जब अनीति ने नहीं बुलाया शादी के लिए? Oh no. I I I seldom get upset. मेरे को मेरे को चीजों से फर्क नहीं पड़ता. मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. अभी होता होगा पर पहले तो जब तक वो मेरे बहुत क्लोज अब जैसे संदीप ने बीच में मेरे से छह महीना बात भी करी थी नाराज था क्या हाँ नाराज था हो जाता नाराज मैं चुप हो जाता हूँ हाँ आज मैंने और... पहली बार कार्तिक का बोला है नहीं तो मैंने आज तक चौकी था भाई थैंक यू और फॉर ट्रस्टिंग मी विद दैट या थैंक यू भाई संदीप ने मेरे से छः महीना बात नहीं करी थी एंड ऑनेस्टली वी डोंट नो ईच अदर सिंस एडम्स वी नो ईच अदर सिंस ओनली थ्री ईयर्स बट एक बहुत क्लोज रिलेशन रहा है एंड आई मिस्ड हिम एवरी डे वेन ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी एंड वेन ही केम टू मीट मी आई did I come? हाउ did I come? आज कम आई वॉज इन द हॉस्पिटल आई जस्ट फेंटेड वन डे एंड इसकी टीम को पता था एंड आई वॉज आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड सिटिंग एट होम अंधेरा था मैं अपने कमरे में आए कमरे में बैठी थी अकेले छः महीने बाद संदीप ने एंटर किया बैठा और मैंने उसको देखा सो या आई मीन आई विल फील बिकॉज ही इज बिन एक्सट्रीमली क्लोज टू मी सो आई है फ्यू पीपल हु डू समथिंग देन इट बॉदस मी

Uh, at the end of the day, we don't talk to each other, but family make what a hota yana upna hota hai. So, every time when something good happens, you know, you feel good for each other, and I'm I'm sure it's mutual. But what about wanting Madhu Chachi to give you a hug? What about Pariniti giving you a hug? What about Priyanka Chopra giving you a hug and saying, you know what, solid trailer, my boss? Arre, I, would love, I would love that. I would really you love miss that. missed that, right? Au, yes, family, yes, karte, yes. Hota hai. Right? We both request hai. our friend PC.

वो एक बहुत बड़ी शी uh, यूनेस्को की शी अब शी कीप्स इनकरेजिंग चाइल्ड एजुकेशन सो संदीप वांटेड प्रियंका टू प्रेजेंट दिस फिल्म वो फॉर सम रीज़न कुछ हो नहीं पाया बट आई आई रियली वांट प्रियंका टू वॉच दिस फिल्म बिकॉज आई एम श्योर शी इज़ वेरी क्लोज टू संदीप शी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड शी यू प्रियंका चोपड़ा पहली स्टार थी जो मुझे कही कि जब भी तू फिल्म बनाएगा ना

Me you like are good. an emotional person. I am so very. So a friend of mine who guided me in life suddenly disappeared from my life mm. because he wanted space. He really wanted space, not from me, but from people who evaluate not evaluating Because he lost his father, he had some problem with his sister. he didn't want anyone to help. But he moved away. He messaged me a year later, two years later, and I felt so good. With passing of time, don't you feel like in childhood cousins hang out? Let karte go hai? of things. You're ये नहीं बात किया वो नहीं किया सबको डर लगता है तो सामने वाला क्या है पप्पी झप्पी सब यार यू <laughs> शुड यार आई एम सीरियस यार क्या इतना डायनामिक सोचना है यार आई विल आई विल आई प्रॉमिस यू आई विल टू मनारा तो बिग बॉस में उसको नहीं कर उसके साथ भी लफड़ा है क्या अरे नहीं यार बहुत अच्छी लड़की oh, है बहुत... क्या सबके साथ थोड़ी ना लफड़ा हो गई नहीं मैं पूछ रहा हूं यार कि उसके साथ दोस्ती है कि नहीं वो ठीक है नहीं अच्छी है बहुत अच्छी दोस्ती, दोस्ती है

encouraged you which no you support. you've given me a right direction I, which i think i was मैं वो step नहीं ले पा रही थी अंदर कहीं पे था पर मैं नहीं ले पा रही थी now that you've said it i'm definitely going to do it i think as a director i need to walk off <laughs> <laughs> <laughs>